तो सो फ्रेंड, जय श्री राम, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थंबल में सचिन गोयल आर्यन कंदारी को देखकर आपको पता ही चल गया होगा आज मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये आर्म वेस्टरिंग के कारण से फेमस है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आज आर्म्स कैसे मोटे तगड़े करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। आजकल इसका कॉम्पिटिशन बहुत चल रहा है, गाँव में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, देश विदेशों में इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये देख सकते हो, ये हमारे लिए नए यूथ के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। कहीं भी जाओ कोई कह देता है पंजा उंजा लगाने के बारे में, काफ़ी लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी कलाई मोटी नहीं रहती, इसलिए वो पंजा हार जाते हैं, उनका बहुत बेइज्जती हो जाता है। इसलिए आज मैं दिखाने वाला हूँ कलाई कैसे मोटे करें, आर्म वेस्टरिंग किस तरह से जीते, प्रैक्टिस घर पे कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। आर्म्स वार्म अप करने के लिए पहले हम दो ईंटों का उपयोग करेंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड, दो ईंटें लाए हैं। इसको किस तरह से पहले आर्म्स पंप करने, अपने इस तरह से पकड़कर आगे रखना है, इस तरह से सीधा इस तरह से करना है जिससे कि आपका आर्म्स मोटा हो जाए और बहुत तगड़ी और जान भरी दिखाई दे। इस तरह से कर लेना है पहले, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो, आगे पीछे सब तरह से दिखा देता हूँ जिससे कि आपका आर्म्स मोटा दिखाई दे। इसके लिए आपको तीन बार लगा लेना है जिससे कि अच्छे तरह से आपका आर्म्स पंप हो जाए। उसके बाद आपको लगाना है, इसमें रखने हैं तीन ईंटें रखने हैं इसमें, दो मैं लाया हूँ, एक और ले आता हूँ भी। उसके बाद इसको पकड़कर हम कुछ इस तरह से उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे पंजों के बल पर, ऐसे ऐसे। ये देख सकते हो इस तरह से, एक तसला ले लेना आप, तसला तो मिल जाएगा गांव में, पंजों से पकड़ना है सिर्फ, चार उंगलियों से अंगूठा ऐसे ऊपर रखना है, इसको ऊपर करना है, फिर नीचे ले जाना है, ऊपर नीचे इस तरह से। आपको इसका पूरा असर आपके कलाई पर पड़ेगा, ये देख सकते हो कलाई की पूरी मसल जो ट्रेंड हो रही है, इसमें ऊपर ले जाना है इस तरह से, नीचे ये आपके पूरे कलाई पर ही सदी हुई है। इस तरह से आप तीन बार लगा सकते हैं जिससे कि आपका आर्म्स में जान आए, आप किसी भी बंदे को, अपने डबल बंदे को पंजे में हरा सकते हैं, आर्म वेस्टरिंग में हरा सकते हैं। गांव में भी कोई यार दोस्त होते हैं, बंदे होते हैं, वो तो कहते हैं आओ पंजा लड़ते हैं, इसलिए कोई कोई होते हैं जो डर जाते हैं क्योंकि उनको तरीका भी नहीं पता होता है, वो कलाई में उनकी जान भी नहीं रहती, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है उनको। तो हम इसी को हम दो बार लगा ले, तीन बार लगाते हैं इस तरह से, होली से ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना इस तरह से पंजे के बल से। इस तरह से ध्यान रखना है, गुम्मे गिर ना जाए आपके ऊपर, इस तरह से। उसके बाद आपको लगाना है
बद्दी से हम लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कुछ खींच कर बद्दी को। ये हमारे पास एक बद्दी है जो थोड़ी सी टूटी फूटी है, इसी से हम प्रयोग करेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से लगाना है। बद्दी से भी आगे किसी चीज में नीचे ऐसे बांध लीजिएगा, मैं इसी को फंसा देता हूँ खूंटे में। इसको अच्छे से बांधना है क्योंकि ये बाहर जाती है इसलिए स्लिप हो सकती है। ये इसके ऊपर आप कुछ बांध भी सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों बद्दी को पंजों के बल पे ऐसे इस तरह से बांध लेना है, पकड़ लेना पंजों से, इस तरह थोड़ा खींच लेना है, हाथ इस तरह करने हैं, फिर आपको इस तरह से मुट्ठी बंद कर ऊपर लेके आना है इस तरह से। यह आर्म्स रेस्टरिंग में बहुत उपयोग करेगी, इससे आपके आर्म रेस्टरिंग में बहुत एनर्जी बनाए देगी, कलाई भी मोटी करेगी। इस तरह से ऊपर उठाना है, टाइट कर कर ही इस तरह से करना है जिससे कि आपकी कलाई पर असर हो। लखी रहने दो सर, इस तरह से खींच सकते हो जिससे आपकी कलाई मोटी और तगड़ी जान भरी हुई दिखाई दे। तो सो फ्रेंड, उसके बाद हम बताने वाले हैं एक एक्सरसाइज जो सबसे बेस्ट है आर्म स्ट्रेंथिंग की। ये है गाइड, इसी में हम बांधेंगे, किसी डंडे में बांध सकते हो या पोंगी ले सकते हो इस तरह की, उसमें हम बीच में बांध लेते हैं इस तरह से कुछ, इस तरह से बांध कर इसमें एक हम ईटा बांधेंगे, कुछ इस तरह से लगाएंगे। अच्छे से बांध लेना है, या फिर आप कोई डंडा ले लेना है, इधर एक छेक करना है, छेक में से घसोल कर रस्सी ऊपर गांठ मार देना है, इस तरह से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा इसको डबल बांध देते हैं, खुल गया था, इसमें एक ईंटा बांध लेते हैं, अपने सामने रखना है चेस्ट के सामने बिल्कुल इतना, तो नीचे बिल्कुल बांधेंगे ईंटा। इसको हम बांध देते हैं इसमें अच्छे से जिससे गिरे मत ये। ये देख सकते हो बन गया। उसके बाद हमको लगाना है इस तरीका से, ऐसे इसको लपेटना इसमें इस तरह से। ये भी एक्सरसाइज आपके आर्म रेस्टरिंग में काम करेगी। इसको खोलना है तुरंत ही, रेस्ट नहीं लेना है बीच में, जब तक आप थक ना जाओ, कलाई पूरी पेन ना करने लगे तब तक आपको लगा ही जाना है इसी तरह से ऊपर नीचे। फिर आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, इसमें बहुत जान लगती है, पूरा कलाई पे ही असर आता है इसका। इस तरह से आप खोलना है, उसके बाद हाथ सीधे करके ये देख सकते हो कलाई पूरी मसल बन गई है, इसमें इतनी जान भर गई है कि कोई भी आ जाए पंजा लड़ने, इस तरह से पकड़ कर इसको आसानी से गिराया जा सकता है। इसका एक तरीका भी होता है पंजा लड़ने का, कुछ
वो भी आपको दिखा देता हूँ इसी में। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी रस्सी में कोई भारी चीज बांधना है, इसको भी खोल लेना है। इसमें हम एक भारी चीज बांधकर कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से गिराने का, इस तरह से इमेजिंग करके प्रैक्टिस करेंगे। आपको दिखाता हूँ बांधकर। तो सो फ्रेंड, ये मैं लेके आया हूँ, इससे प्रैक्टिस करेंगे आर्म स्ट्रिंग की घर पर ही। इसमें हम बांध लेंगे रस्सी को इस तरीका से। बांधने के बाद अपने हाथ पर इसको कुछ इस तरह से लपेट लेंगे, ऐसे इधर हाथ रखेंगे, या आप किसी भी चीज पर रख सकते हो। हम अपने हाथ का सहारा ले लेते हैं इस तरह से उठाकर, इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपकी कलाई पर पूरा जोर आर्म स्ट्रेंथिंग का आएगा। दो तीन बार आप करोगे, देखना कितनी एनर्जी फील होगी आपके आर्म्स पर। तो सो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा वीडियो? तो सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करो अपने भाई को। जय श्री राम। अच्छे से अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए, सर्च कर रिसर्च कर। तो सो फ्रेंड, जय श्री राम, मिलते हैं।